press the bell icon for all the updates. Hi, मैं हूँ दीपिका सिंह और आज मैं हूँ टेली मसाला के साथ और मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपने बैग में क्या क्या चीजें रखती हूँ डेली बेसिस पे। बैग में काफी सारे पाउचेज रखती हूँ, जैसे आप देख सकते हैं इतने सारे पाउचेज हैं और डिवाइडर है इसमें, मैं एक इस तरह का डिवाइडर भी रखती हूँ ताकि सारी चीज़ें मुझे इंटैक्ट रहे और हाथ में तुरंत मिल जाए। तो ये मेरा एक पाउच है, इसमें मेरा मेकअप का सामान होगा, दिस वन इज़ कॉम्पैक्ट और मस्कारा, आईब्रो पेंसिल एंड ये मेरा बेस है जो अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाए और मैं मेकअप करके नहीं निकली हूँ तो मैं फटाक से बेस लगा के, मतलब फाउंडेशन, थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लगा के मैं मेकअप कर लूँ टू सेव माई टाइम। तो मैं गाड़ी में ज़्यादातर मेकअप करती हूँ, अभी भी मैंने गाड़ी में किया तो ये हो गया मतलब प्रोफेशनल थोड़ा सा अगर मेकअप करना है मुझे तो। और अगर मुझे जैसे सिर्फ ऐसे ही जाना है और मुझे लगता है कि जस्ट लिपस्टिक और थोड़ा सा इसी में लिपस्टिक से ही हो जाएगा तो ये मेरा एक रेगुलर पाउच है जिसमें ब्रश है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें कई सारी लिपस्टिक्स हैं। ये लिपस्टिक है मेरी, ये जो लिपस्टिक है इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि वैसी की वैसी रहती है, मतलब उसको और टचअप की ज़रूरत नहीं, सुबह की लगाई हुई शाम तक चलती है। तो दिस इज़ ये क्लिनिक की है और मेरी फेवरेट लिपस्टिक है ये और बहुत न्यूट शेड है तो सब पर जाता है। दिस वन इज़ ऑल्सो वन ब्लश ऑन, ये मेरा फेवरेट है, ये मतलब विदाउट मेकअप जस्ट मैं ये ब्लश ऑन और ये लिपस्टिक लगाती हूँ, मेरा मैं सुंदर लगती हूँ ऐसा मुझे लगता है। और फिर भी मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं, जैसे कि लाइनर भी रख लिया है, यू नो वही जैसे मैंने बताया कि मुझे कहीं भी जाना पड़ जाए तो मतलब ऐसा ना हो कि यू नो मैं रेडी नहीं हूँ तो मैं ऑन द वे ही रेडी हो जाती हूँ। वन मोर लिपस्टिक इज़ देयर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, मैं ज़्यादा न्यूट्रल शेड्स ही रखती हूँ। तो दीज आर द थिंग्स, देन अगेन वन पाउच इज़ फॉर माई ग्लेयर्स, मैं ग्लेयर्स का पाउच खो देती हूँ अब, इसके लिए मैंने एक ही पाउच रख लिया ये, सो ये मुझे। देन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ चार्जर, ऑप्स ये चार्जर ज़रूर रखती हूँ मैं अपने पास में। हेयर पिंस, ये हेयर पिंस बहुत अच्छी है, कमाल की हेयर पिंस हैं ये, मतलब इससे जो है ना मेरा तुरंत बन बन जाता है और ये इसकी स्क्रू ड्राइवर जैसी है, यू नो मतलब इतने अच्छे अच्छे स्टाइलिश बन, मेरे कई पिक्चर्स में इंस्टाग्राम पे मैं पिक्चर्स अपलोड करती हूँ उसमें मैंने बन बना रखे हैं, मतलब ये सिर्फ एक पिन दो पिन इस तरह से ट्विस्ट करके बालों में लगाओ और मतलब बन हिल नहीं सकता, चाहे वर्कआउट करना हो कहीं भी जाना हो। स्पेशली सोहम को जब मैं अपने साथ में रखती हूँ तो अपने बाल में टाई करके रखती हूँ, रबर बैंड से मुझे थोड़ा सा पेन होता है, ये स्क्रू जो है ना वो इतने अच्छे कि स्टाइलिश भी हो जाता है बन और बिल्कुल भी पेन भी नहीं होता, मतलब एक 12-14 घंटे जितना भी मैं बाहर रहा हूँ और ये पिन मेरे लिए बहुत बड़े सेफ गार्ड है। एंड हाँ, अगर मुझे थोड़ा सा यू नो अच्छा सा लुक चाहिए और मेरे ओपन हेयर्स हैं तो मैं क्या करती हूँ, बाल वॉश करने के बाद गाड़ी में जब बैठती हूँ तो मैं इससे जो है ना अपने हेयर्स जो है इस तरह से ऐसे करके फटाक से, मैं ज़्यादा कॉम नहीं करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ और जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो इतने मस्त हेयर हो जाते हैं, मुझे एकदम ग्लैमरस फील होता है ये मेरा सीक्रेट है, ये मेरे बैग में सारे मेरे सीक्रेट्स हैं ब्यूटी के। तो क्लचर भी रखती हूँ, यू नो कभी भी ज़रूरत पड़ जाए क्लचर की तो। एंड देन या टिश्यूज़ मैं हमेशा अपने पास में रखती हूँ बैग में। लिप बाम, निविया का लिप बाम है, नॉर्मली है ड्रग स्टोर में आपको आराम से मिल जाएगा, तो ये मुझे बेस्ट लगता है अगर मुझे लगता है थोड़े चैपी या ड्राई लिप्स हो रहे हैं तो। ज़्यादा आपको मेकअप का सामान ज़रूर मिलेगा बिकॉज अगर मैं बैग कैरी कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं कहीं किसी काम से जा रही हूँ और ये कोम बाय चांस के लिए मैंने रख रखी है, यूज़ तो ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ही एक जजोबा ऑयल मैंने लिया है, ये अमेजोन से लिया है और देखिए मैंने पूरी बॉटल फिनिश कर दिया है बिकॉज मैं ज़्यादा मॉइस्चराइजर्स बैग में नहीं रखती हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे हैंड क्रीम अलग से लेनी पड़े, बहुत ही लाइट ऑयल है ये, मैं अपने अगर मुझे हेयर थोड़े ड्राई लग रहे तो हल्का सा मैं अपने हेयर पर लगा लेती हूँ या हैंड्स पे लगा लेती हूँ, मतलब ये ऑलराउंडर है, अगर मुझे कहीं ड्राइनेस फेस पे भी लग रही है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो ये एक चीज़ मतलब मेरे कई सारे काम कर देती है। यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट परफ्यूम, ऑल दो सोम के साथ मैं थोड़ा परफ्यूम अवॉइड करती हूँ बट ये बॉटल मेरी फेवरेट है, यही परफ्यूम मैं लेती हूँ बिकॉज इट्स वेरी लाइट इन वेट और बहुत कॉम्पैक्ट भी है, तो ये कैल्विन क्लेन का है।
बहुत कम स्पेस में जो है चीज़ मेरी हो जाती है. अगर मुझे लगता है कि अरे मुझे लगाना है परफ्यूम, तब मैं इसी को कैरी करती हूँ. एंड बहुत स्मूथ, मतलब बहुत लाइट भी है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आई फील गुड इन दिस. ये है एंड हेडबैंड ऑल्सो. अगर मुझे अचानक से वर्कआउट पे जाना पड़ जाए तो मैं हेडबैंड भी लगा लेती हूँ. जैसे बंद तो है ही, फिर भी मैं अगर कभी मुझे कोई टेम्पल दिख गया या सिद्धिविनायक के लिए मुझे लगे कि आज मूड कर रहा है सिद्धिविनायक, तो थोड़ा सा हेड थोड़ा कवर मुझे अच्छा लगता है यू नो टेम्पल्स में. तो ये सब एक हेडबैंड से जो है पूरा जो है ये हेड कवर हो जाता है. तो ये अगर मुझे लग रहा है कि मुझे सर्दी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगा ज़्यादा, यू नो गाड़ी से बाहर, गाड़ी में एसी होता है, बाहर एकदम सन होता है, तो मुझे, मैं सबसे पहले अपने ईयर क्लोज करती हूँ. तो ये मेरे ईयर को भी क्लोज कर देता है ताकि ज़्यादा हवा ना घुसे और मुझे कोल्ड ना हो जल्दी से. तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प की मेरी चीज़ हो जाती है. मैं माउथ वॉश भी रखती हूँ बट आज रखना भूल गई हूँ. माउथ वॉश मुझे वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, ये सीक्रेट है. बिकॉज जब भी मेरा मुझे ऐसा लगता है जब भी आपका माउथ क्लीन रहता है ना, तो आपको क्रेविंग्स कम होती है और आप डिसाइड कर पाते हो बिटवीन इमोशनल हंगर एंड फिजिकल हंगर. सो वॉट एल्स, येस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर बाई चांस कुछ स्ट्रेस हो जाए तो उसके लिए मैं अपने बैग में ये छोटी सी भगवत गीता ज़रूर रखती हूँ. दिस इज़ ये गिफ्ट दिया था मुझे मेरे एक फैन ने. सो क्रॉसवर्ड में वो थी, मैं क्रॉसवर्ड में लेने गई थी बट मुझे स्मॉल नहीं थी, तो उनके पास से उन्होंने मुझे गिफ्ट किया इंदौर एयरपोर्ट पर, मुझे आज भी याद है. ये मैं अपने पास में रखती हूँ, ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है कभी भी यू नो ऐसा लगता है ऑन द वे. वैसे ज़्यादा तो मैं रीडिंग नहीं कर पाती हूँ, तो इसका एक श्लोक भी पढ़ लो कोई भी पेज निकाल के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट्स फॉर माय मेंटल स्टेट एंड यू नो फॉर माय वेल बीइंग. सो ये भी मैं अपने बैग में रखती ही हूँ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो वन मोर पैन. ये थोड़ा लोकल पैन है बट मैं पेन ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में जब थी मुझे एक टीचर, हमारी टीचर बोलती थी कि अगर कोई भी इंसान एजुकेटेड है वो तभी पता चलता है जब उसके बैग में पेन हो. तो वो चीज़ मुझे हमेशा से याद रहती है अपनी टीचर की. तो मैं हमेशा अपने बैग में पेन ज़रूर रखती हूँ. वो कई बार दूसरों की भी हेल्प कर देता है और कई बार मेरी भी हेल्प कर देता है. दैट्स इट. अंदर अ वॉलेट, इसमें सारे मेरे कार्ड्स एंड मनी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रूम अराउंड, वो सब है. तो यस आई थिंक सॉर्टेड. हाँ वन मोर थिंग इज़ दिस इज़ ये चंदन का सैंडलवुड का एक एसेंशियल ऑयल है. तो समटाइम्स मुझे लगता है अरे मुझे टेम्पल जाना है तो मैं परफ्यूम अवॉइड करती हूँ, और मुझे फिर भी लगता है कि ना थोड़ा सा सूदिंग काम होना चाहिए, तो मैं ये वाला सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल यूज़ करती हूँ. सो बिकॉज परफ्यूम में अल्कोहल होता है तो मैं अवॉइड करती हूँ लेदर बैग ले जाना और परफ्यूम लगा के टेम्पल में जाना, टेम्पल या मस्जिद कहीं पर भी या चर्च में भी. चर्च में तो इतना नहीं होता है बट ये दो जगह मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ परफ्यूम्स और लेदर बैग ले जाना. और हेडबैंड ज़रूर रखती हूँ इसीलिए कि मैं कवर करके ही हट जाती हूँ. इनफैक्ट गुरुद्वारा में भी बैग के सारे सीक्रेट्स, अपने लाइफ के सीक्रेट्स बताने में बहुत अच्छा लगा. होप आपको भी कुछ, आपको भी ये सब देखकर अच्छा लगा होगा और शायद आप भी कुछ चीज़ें मुझसे सीखें. और कुछ अगर आपको ऐसा लगे कि अरे ये होना चाहिए बैग में मेरी चीज़ों को देखकर, तो शायद आपको कुछ हेल्प मिल सके. और अगर आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस ब्लॉग के नीचे और मैं ज़रूर पढ़ूंगी. मुझे बहुत मज़ा आया अपने यू नो हो सकता है और भी बाकी लाइफ आगे बढ़ेगी तो और भी चीज़ें मुझे पता चलें वो भी मैं कैरी करूँगी. बट आई डोंट नो मैं कितना बड़ा बैग कैरी करूँगी. पर ये है कि जितना इस बैग में ये आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, सिर्फ माउथ वॉश छोड़ के मैं सब कुछ है इधर. थैंक यू.